हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी नॉमिनिक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमिनिक्लेचर देखेंगे। आईयूपीएसी नॉमिनिक्लेचर किसका देखेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नाम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो होगा वो जनरली जो है हम लोग चार टाइप का देखेंगे। ठीक है, कितने टाइप का, कितने तरह का दिखेगा हम लोगों को? चार तरह का। कौन कौन सा वो देखिएगा। सबसे पहला जो होगा उसमें क्या होगा कि एक कोई ग्रुप होगा, एटम का ग्रुप। उसके बाद क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा, लिगेंड होगा और फिर लिगेंड का नंबर होगा। ठीक है, ये पहला टाइप का हो गया। दूसरा टाइप का क्या होगा कि सेंट्रल एटम ही पहले होगा। ठीक है, सेंट्रल एटम ही क्या होगा? पहले होगा। उसके अंदर क्या, सॉरी, कोऑर्डिनेशन स्फेयर ही पहले होगा। उसके बाद उसके अंदर क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा और क्या होगा? उसके चारों तरफ लिगेंड होगा और लिगेंड का जो नंबर होगा उसको किससे दिखाएंगे? एन से। और उसके बाद क्या होगा? कोई एटम होगा या एटम का समूह होगा। ठीक है, तीसरा रूप में क्या दिखेगा? सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा, लिगेंड होगा और लिगेंड का नंबर होगा। ठीक है, चौथा दिखेगा कि दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा। कितना कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा? दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम होगा और इसमें भी क्या होगा? लिगेंड होगा और लिगेंड जितना होगा उसको एन से दिखाएंगे। इसमें भी क्या होगा? लिगेंड होगा, जिसमें लिगेंड की संख्या को किससे दिखाएंगे? एन से दिखाएंगे। ठीक, तो चार टाइप का जनरली जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला जो होगा क्या होगा उसमें कुछ आगे में क्या होगा? कोई एटम होगा या एटम का ग्रुप होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा। दूसरा क्या होगा कि पहले ही कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा, उसके बाद क्या होगा? कोई भी एटम या एटम का समूह होगा। ठीक है, तीसरा टाइप का क्या हो जाएगा कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा, उसके आगे भी कुछ नहीं रहेगा, पीछे भी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और तीसरा जो होगा वो उसमें क्या होगा कि दोनों क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फेयर ही रहेगा। ठीक, तो ये चार टाइप का हम लोग को कोऑर्डिनेशन स्फेयर देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अब देखिएगा, अगर कोई कंपाउंड दो टर्म में है, ठीक है, दो इस टाइप से दो है, ठीक, तो पहला पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरे पे क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहला जो होगा उस पर क्या होगा? प्लस होगा, दूसरे पर क्या होगा? माइनस होगा। जैसे यहाँ क्या है, देखो ये दो दो टर्म में है, एक ये एक ये, तो इसमें पहला ये है कोई एटम होगा या एटम का समूह, तो इस पर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा और ये सेंट्रल, सॉरी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में, तो इस पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो इस पर क्या होगा? प्लस होगा और कोऑर्डिनेशन स्फेयर पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फेयर पहले है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फेयर पर प्लस हो जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, तो इस पर क्या हो जाएगा? चार्ज क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा तो जीरो होगा। ठीक है, और इसमें कोऑर्डिनेशन स्फेयर, इस पर प्लस हो जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, क्या समझ में आया? अगर दो टुकड़ा में है, ठीक है, दो टर्म में है, ठीक है, दो टर्म में है, तो पहला पे क्या देंगे? पॉजिटिव, दूसरे पे क्या देंगे? निगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं। पहले यहां देखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा वो कितने टाइप का दिखेगा? चार टाइप का, जिसमें क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा? कोई एटम का समूह होगा, उसके बाद क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा। दूसरा में भी क्या होगा कि दूसरा में क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फेयर ही होगा, उसके बाद क्या होगा? कोई एटम होगा या एटम का समूह होगा। और तीसरा टाइप का क्या हो जाएगा कि तीसरा टाइप का क्या हो जाएगा? सबसे इसमें क्या होगा? सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फेयर ही होगा। ठीक है, और चौथा टाइप का क्या हो जाएगा कि दोनों दो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ गया, चार टाइप का दिखेगा। अब किसमें कौन सा रूल लगाना है उसको देखते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर का, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नाम लिखेंगे, यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, ये केमिस्ट्री नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, इस जगह ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कितना तरह का हम लोग को देखने के लिए मिलेगा? जनरली चार तरह का। ठीक है,
जिसमें क्या होगा, पहले क्या होगा, कुछ एटम या एटम का समूह होगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, पहले ही कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा, उसके बाद कुछ कोई एटम या एटम का समूह होगा, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर ही रहेगा, ठीक है। इसमें इस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज होगा, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। इसमें कोऑर्डिनेशन स्फेयर पर कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, और इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक। इसमें कुछ नहीं, नेट चार्ज जीरो होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फेयर पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, और प्लस माइनस को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। इसमें भी टोटल नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब इस पे कुछ नहीं चार्ज होगा, क्योंकि ये क्या है, अकेले है, तो इस पर क्या चार्ज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, ठीक है। और इसमें इस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, पहले वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस, और दूसरे वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नाम लिखेंगे, अगर हमको इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है, कैसा दिख रहा है, इस टाइप का, जिसमें क्या होगा, पहले कोई एटम या एटम का समूह होगा, उसके बाद क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, ठीक। तो सबसे पहले जो एटम होगा, ठीक है, सबसे पहले जो एटम होगा उसका हम नाम लिख के खत्म कर लेंगे, ठीक है, एट फर्स्ट, मतलब सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर कोई एटम या एटम का समूह सबसे पहले है तो उसका क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आएंगे, ठीक है। सबसे अब अगर सबसे पहले कोई एटम या एटम का समूह है, ठीक है, तो उसको लिख दिए, ठीक, लिख दिए। उसके बाद हम लोग आएंगे किसमें, किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नॉमिनिक्लेचर होगा वो पीछे से शुरू करेंगे, किधर से करेंगे, पीछे से। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, क्या होता है, सेंट्रल एटम, ये सॉरी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उसमें क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, लिगेंड होता है, और लिगेंड का नंबर होता है, ठीक है। तो लिगेंड का नंबर का सबसे पहले देखेंगे कि कितना लिगेंड है, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि कितना लिगेंड है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड के नंबर का, अगर दो है, तीन है, कितना लिगेंड है उसका हम लोग लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, ठीक है, कितना लिगेंड है उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लिगेंड का, सबसे पहले क्या देखें, पीछे से शुरू करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, लिगेंड का नंबर, ठीक है, एक नंबर पे क्या देखेंगे, लिगेंड का नंबर, दो नंबर पे किसको देखेंगे, लिगेंड कौन है, ठीक है, लिगेंड का नाम, ठीक है, कौन लिगेंड है उसका नाम लिखेंगे, और तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम का नाम, ठीक है, जिसको किससे दिखाए थे हम लोग, एम से, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग चलेंगे, किधर से चलेंगे, पीछे से, सबसे पहले क्या देखेंगे, लिगेंड का नंबर, ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, लिगेंड, उसके बाद क्या लिखेंगे, नाम किसका, सेंट्रल एटम का, ठीक है। तो एक नंबर पे कौन हो जाएगा, एन, एक नंबर पे कौन हो जाएगा, एन, दो नंबर पे क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे किसका नाम हो जाएगा, सेंट्रल एटम का, ठीक है। पहला नंबर पे क्या लिखेंगे, लिगेंड का नंबर, दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, लिगेंड, और तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम का नाम, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसका क्लियर हो गया। चलो अब दूसरा देखो, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर सबसे पहले है, ठीक है, उसके बाद कोई एटम या एटम का समूह है, ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है तो इसके अंदर आएंगे सबसे पहले, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कितना लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड का नंबर कितना है उसको क्या, किस पर रखेंगे, एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे किसको रखेंगे, लिगेंड को, ठीक है, दूसरे नंबर पे किसको रखेंगे, लिगेंड को, और तीसरे नंबर पे किसको रखेंगे, सेंट्रल एटम को, ठीक है। सबसे पहला किसको रखेंगे, लिगेंड के नंबर को, दूसरे पे किसको रखेंगे, लिगेंड को, और तीसरे नंबर पे किसको रखेंगे, सेंट्रल एटम को, और चौथा नंबर पे क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा लास्ट में क्या रहेगा, एटम या एटम का समूह, ठीक है, जो लास्ट में एटम या एटम का समूह रहेगा उसको कहाँ रखेंगे, लास्ट में। अगर पहले है एटम या एटम का समूह तो उसको पहले रख देंगे, अगर एटम या एटम का समूह लास्ट में है तो उसको कहाँ रख देंगे, लास्ट में, ठीक है। अब देखो इसमें कोऑर्डिनेशन, सिर्फ अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो सबसे पहले क्या रखेंगे, एन को रखेंगे, ठीक है, लिगेंड के नंबर को रखेंगे, ठीक है, किसको रखेंगे, लिगेंड के नंबर को, उसके बाद किसको रखेंगे, लिगेंड को रखेंगे, उसके बाद किसको रखेंगे, सेंट्रल एटम को, ठीक है। तो मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नॉमिनिक्लेचर होगा वो कैसा होगा, किधर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नाम लिखेंगे, नॉमिनिक्लेचर लिखेंगे आईयूपीएसी के थ्रू, तो किधर से लिखेंगे, पीछे से। सबसे पहले किसको लिखना है, लिगेंड के नंबर को, उसके बाद किसको लिखना है, लिगेंड को, उसके बाद किसको लिखना है, सेंट्रल एटम को, ठीक है। अब यहां भी सेम प्रोसेस हो जाएगा, सबसे पहले किसको लिखेंगे, लिगेंड के नंबर को, उसके बाद किसको लिखेंगे, लिगेंड को, उसके बाद किसको लिखेंगे, सेंट्रल एटम के नाम को, ठीक है।
दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो दूसरे वाले में भी सेम रूल लगेगा। सबसे पहले किसको लिखेंगे? लिगेंड के नंबर को, फिर लिगेंड को, फिर किसको लिखेंगे? सेंट्रल एटम को। ठीक है, तो ये चार टाइप का कंपाउंड दिखेगा, किसमें कौन सा रूल लगाना है। अगर कोई एक्स्ट्रा एटम बाहर है, आगे है, तो उसका नाम पहले लिख देंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे? लिगेंड के नंबर को, उसके बाद लिखेंगे लिगेंड को, उसके बाद किसके लिखेंगे? सेंट्रल एटम को। ठीक है, अगर कोई ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर पहले ही है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या है? पहले है, ठीक है, तब क्या लगाएंगे? लिगेंड के नंबर को लिखेंगे, फिर लिगेंड को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? सेंट्रल एटम को। और कोई अगर एटम दिया हुआ है तो उसको कहाँ लिख देंगे? लास्ट में, अगर दिया है तो लास्ट में, और फर्स्ट में दिया है तो उसको फर्स्ट में। ठीक है, इस सब में क्या हो जाएगा? सेम प्रोसेस हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर दो पार्ट में, तो इस पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है तो इस पर क्या हो जाएगा? माइनस, और इस पर क्या हो जाएगा? प्लस। इसमें कुछ नहीं तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसमें इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर प्लस और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस। ठीक, चलो देखो अब हम लोग आते हैं रूल पे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला जो रूल है, ठीक है, किसी का भी अगर नाम लिखना हो तो हम लोग किससे शुरू करते हैं? कैपिटल लेटर से। किससे शुरू करते हैं? कैपिटल लेटर से। ए बी सी डी, ये कैपिटल लेटर से हम लोग किसी का भी नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नाम निकलेचर हम लोग शुरू करेंगे आईयूपीएससी के थ्रू, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो हम लोग नाम लिखेंगे तो उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, उसको किससे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, उसको किससे स्टार्ट किया जाता है? स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। किससे स्टार्ट किया जाता है? स्मॉल लेटर से। सबसे पहला बात यह याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नाम होगा वो हमेशा किस लेटर से स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से। ठीक है, किस लेटर से स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से। ठीक है, किस लेटर से स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से। तो पहला रूल क्या हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम हमेशा किस लेटर से लिखा जाएगा? प्रारंभ किया जाता है स्मॉल लेटर से। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है देखिए। ठीक है, पहला रूल समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नाम लिखना स्टार्ट करेंगे किस लेटर से लिखना स्टार्ट करेंगे? स्मॉल लेटर से। कैपिटल लेटर का हम लोग यूज नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमिनिक्लेचर में। ठीक है, तो किससे स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना? स्मॉल लेटर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप। जब कोऑर्डिनेशन स्फेयर पर धन आवेश होता है या कोऑर्डिनेशन स्फेयर उदासीन होता है, मतलब कुछ नहीं चार्ज होगा, ठीक है, तब सेंट्रल एटम का नॉर्मल नेम लिखा जाता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज होगा? धन आवेश होगा। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज होगा? धन आवेश, मतलब क्या होगा? प्लस होगा। और या तो क्या होगा? या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या होगा? उदासीन होगा, मतलब कुछ चार्ज नहीं होगा। तो इस स्थिति में सेंट्रल एटम जो एम होगा हमारा, जो एम होगा सेंट्रल एटम होगा, इसका जो नाम लिखेंगे वो कैसा नाम लिखेंगे? नॉर्मल नेम लिखेंगे। ठीक है, कैसा नाम लिखेंगे? नॉर्मल नेम लिखेंगे। ठीक, ये याद रखना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर अगर धनात्मक चार्ज है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो क्या है? न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है, तब जो सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे वो क्या होगा? नॉर्मल नेम लिखेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव कब होगा? देखो, पॉजिटिव कब होगा? जब कोई एलिमेंट आगे होगा, ठीक है, कोई तत्व एटम या एटम का समूह क्या होगा? आगे होगा, उसके बाद क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, इस पर कोऑर्डिनेशन, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले हो गया, उसके बाद कोई एटम या एटम का समूह है, तो इस स्थिति में इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और इस पर कैसा आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या देखे थे हम लोग? ऐसा ऐसा वाला, ठीक है, जिसमें क्या था? सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, तो इस पर कुछ नहीं चार्ज है तो क्या है? जीरो है। ठीक है, और तीसरा क्या देखे थे कि दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था। ठीक है, कितना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर था? दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, तो इसमें इस पर प्लस आएगा, इस पर क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, अगर पहले हुआ तो इसका मतलब प्लस है, और बाद में हुआ तो इसका मतलब क्या है? माइनस है। तो अभी हम लोग किसको देखेंगे? इसको देखेंगे, प्लस वाले को और न्यूट्रल वाले को और प्लस वाले को, ये तीनों को हम लोग को लेके चलना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर अगर प्लस चार्ज है, ठीक है, क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है, और या तो क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है या तो न्यूट्रल है। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो जीरो है, न्यूट्रल है। ठीक है, तब सेंट्रल एटम का जो नाम लिखेंगे, सेंट्रल एटम का, वो क्या होगा? नॉर्मल नेम होगा। क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, ये याद रखना है कि अगर पॉजिटिव और न्यूट्रल है, ठीक है, अगर क्या है?
कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है, तब सेंट्रल एटम का जो नाम होगा वो क्या होगा, नॉर्मल नेम होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर ऋण आवेश होता है तब सेंट्रल का नाम सफिक्स के साथ लिखा जाता है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर ऋण आवेश होता है तब सेंट्रल एटम का नाम सफिक्स के साथ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, लिखा जाता है। ठीक है, अब सफिक्स क्या है इसको समझना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वर्ड है, ठीक है, अगर कोई वर्ड है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई वर्ड है, ठीक है, अगर इसके आगे कुछ हम लगा रहे हैं, ठीक है, इसके आगे कुछ लगा रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग प्रीफिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्रीफिक्स। और इसी वर्ड के अगर लास्ट में कुछ लगा रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सफिक्स। ठीक है, क्या बोले ध्यान से सुनना, अगर कोई वर्ड है, ठीक है, अगर कोई क्या है वर्ड है, उसके आगे अगर हम कोई वर्ड लगा रहे हैं जिससे कि ये मीनिंगफुल बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स होगा। ठीक है, इस वर्ड को क्या कहेंगे, प्रीफिक्स, और जो वर्ड के पीछे लगेगा उसको क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, वर्ड के जो पीछे लगेगा उसको क्या कहेंगे, सफिक्स, और जो आगे लगेगा वो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। ठीक है, अब देखिए, देखो सफिक्स किसको कहते हैं, समझ में आ गया कि वर्ड के क्या होगा, पीछे लगेगा। ठीक है, जैसे अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। ऋण आवेश कब होगा, हम लोग कितना टाइप का पढ़े थे, चार टाइप का पढ़े थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चार टाइप का जनरली देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला जो होगा कोई एटम या एटम का समूह होगा, उसके बाद क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या था कि पहले क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही होगा, उसके बाद कोई एटम या एटम का समूह होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। और चौथा क्या होगा कि दो क्या होगा, दोनों क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही होगा। ठीक, अब देखिए किसमें माइनस आएगा, इसमें इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, सॉरी ये प्लस नहीं आएगा, इस पर कुछ नहीं चार्ज है, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा आवेश होना चाहिए, ऋण आवेश होना चाहिए। देखिए ये इसमें क्या है, ऋण आवेश है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर ऋण आवेश है। तो इस स्थिति में सेंट्रल एटम का नॉर्मल नाम नहीं लिखा जाएगा, इस स्थिति में सेंट्रल एटम का नाम सफिक्स के साथ लिखा जाएगा, मतलब सेंट्रल एटम के साथ नाम के साथ कुछ ना कुछ पीछे लगाया जाएगा। ठीक है, सफिक्स क्या लगाया जाएगा वो हम लोग सीखेंगे अभी। अभी बस इतना जानना है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल है, ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो न्यूट्रल है, तो उसका क्या लिखेंगे, नॉर्मल नेम लिखेंगे। अगर निगेटिव है तब क्या लिखेंगे, सफिक्स के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो दो बात हमेशा ये याद रखना है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल है, धनात्मक या फिर उदासीन है, तब क्या लिखेंगे, नॉर्मल नाम लिखेंगे, किसका, सेंट्रल एटम का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल चार्ज है तब सेंट्रल एटम का नाम क्या होगा, नॉर्मल नेम होगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर ऋण आवेश हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, तब इसका मतलब सेंट्रल एटम का जो नाम लिखाएगा वो किसके साथ लिखाएगा, सफिक्स के साथ लिखाएगा। ठीक है, और निगेटिव चार्ज कब आएगा, समझ में आ गया कि जब सेंट्रल एटम क्या होगा, बाद में होगा। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम पहले हो गया, और या फिर सेंट्रल एटम अगर पहले हुआ तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर सिर्फ सेंट्रल एटम हुआ तो उस पर क्या होगा, जीरो चार्ज होगा। लेकिन अगर सेंट्रल एटम बाद में रह गया, ठीक है, अगर सेंट्रल एटम सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर सॉरी अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले रह गया, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में रहा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले रह गया तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिर्फ अकेले रहा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में रहा, ठीक है, तो क्या चार्ज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव रहा और न्यूट्रल रहा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज रहा, पॉजिटिव रहा और न्यूट्रल रहा, तब सेंट्रल एटम का क्या लिखना है, नॉर्मल नेम लिखना है। ठीक है, पॉजिटिव या न्यूट्रल रहा तो कैसा नाम लिखना है, सेंट्रल एटम का सॉरी नॉर्मल नेम लिखना है। लेकिन अगर सेंट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव आ गया तब सेंट्रल एटम का नाम क्या लिखना है, सफिक्स के साथ। ठीक है, चलिए अभी तक हम लोगों ने तीन रूल पढ़ा। सबसे पहला जो रूल पढ़े क्या पढ़े, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नाम लिखा जाएगा वो हमेशा किस लेटर से स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से। ठीक, पहला ये रूल पढ़े कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नॉमिनिक्लेचर लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा, उसको किस लेटर से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल लेटर से। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या पढ़े कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है या अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, उदासीन है, तब सेंट्रल एटम का नाम,
तब किसका, सेंट्रल एटम का जो नाम लिखा जाएगा वो नॉर्मल नेम लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा तीसरा रूल क्या पड़ेगा कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस चार्ज है, ठीक है, अगर सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या है, माइनस चार्ज है, तब सेंट्रल एटम का जो नाम लिखा जाएगा, सेंट्रल एटम का जो नाम लिखा जाएगा वो कैसा लिखा जाएगा, सफिक्स के साथ, कैसा लिखा जाएगा, सफिक्स के साथ। तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर पॉजिटिव या जीरो रहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर तब सेंट्रल क्या हो जाएगा, नॉर्मल नेम लिखा जाएगा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस रहा तब सेंट्रल एटम का नाम क्या लिखा जाएगा, सफिक्स के साथ, ठीक है। चलिए अब चौथा रूल क्या है देखना ध्यान से। चौथा रूल कहता है कि कोऑर्डिनेशन सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को सेंट्रल एटम के नाम के साथ स्मॉल ब्रैकेट के, स्मॉल ब्रैकेट, एक सेकेंड, फोर्थ नंबर, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को सेंट्रल एटम के साथ, नाम के साथ स्मॉल ब्रैकेट में रोमन में लिखा जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है, सेंट्रल एटम जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया, फिर लिगेंड हो गया, ये लिगेंड का नंबर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, एन का नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद एन लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सेंट्रल एटम का नाम लिखते थे, सेंट्रल एटम का जब नाम लिखेंगे तो इसका जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम बताएंगे, ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको क्या करेंगे, सेंट्रल एटम के साथ स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे, और किसमें लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे। मान लीजिए कि यहां सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए 3 है, ठीक है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए कि 3 आ गया, तब यहां क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और किसमें लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे, ये नहीं कि किसी में भी लिख देना, ठीक है, किसमें लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे, किसके साथ, अगर सेंट्रल एटम का ही निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर तो किसके साथ लिखेंगे, सेंट्रल एटम के साथ, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमिनिक्लेचर जो लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है, पीछे से लिखा जाता है, सबसे पहले किसका लिखेंगे, लिगेंड के नंबर को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, सेंट्रल एटम को, ठीक है, और सेंट्रल एटम में भी किसको कैसा नाम लिखना है वो बता चुके हैं, ठीक है, और सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा सेंट्रल एटम के साथ ही क्या लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में, और उसमें भी किसमें कैसा लिखना है, रोमन में लिखना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कहां लिखेंगे, सेंट्रल एटम के साथ ही, किसमें, स्मॉल ब्रैकेट में, और कैसा होना चाहिए, रोमन में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, ये बात क्लियर हो गया कि सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को सेंट्रल एटम के नाम के साथ स्मॉल ब्रैकेट में रोमन में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्या, जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से अधिक लिगेंड होता है तब लिगेंड के नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। देखिए अगर मान लो कि एक से ज्यादा लिगेंड है, ठीक है, तो एक से ज्यादा लिगेंड है तो उसको क्या करेंगे, जैसे मन तैसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो जिसका नाम जैसा होगा उस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, जैसे क्लोरीन आ गया, ठीक है, क्लोरीन सी से शुरू होता है और ब्रोमीन आ गया, ठीक है, तो ब्रोमीन किससे शुरू होता है, बी से, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमीन को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, क्लोरीन को लिखेंगे, तो यही हो गया आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो तब लिगेंड के नाम को किस ऑर्डर में रखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसा होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल एटम, उसके बाद लिगेंड होता है, उसके बाद लिगेंड का नंबर होता है, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, लिगेंड के नंबर को, फिर किसको लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे, और फिर किसको लिखेंगे, सेंट्रल एटम को लिखेंगे, और फिर सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे, ठीक है, किसको लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे, उसको भी किसमें लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे, ठीक है। अब इसी में कह रहा है कि अगर लिगेंड एक से अधिक है, ठीक है, लिगेंड यही लिखाएगा, लिगेंड का नाम जो लिखाएगा यही लिखाएगा, अगर लिगेंड एक से अधिक होगा तब उसको क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा देंगे, ठीक है, कैसे सजा देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा देंगे, ऐसे नहीं जैसे मन तैसे नहीं, जैसे मन तैसे नहीं लिखना है, ठीक है, उसको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा देना है, जैसे ब्रोमीन आ गया, क्लोरीन आ गया, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, ब्रोमीन लिख देंगे, उसके बाद किसको लिख देंगे, क्लोरीन लिख देंगे, ठीक है, मतलब ए बी सी डी के रूप में सजाना है, जो पहले आएगा अल्फाबेटिकल में उसी को पहले रखेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको रखेंगे, ठीक है, ब्रोमीन क्लोरीन आता है तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमीन को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे,
क्लोरीन को लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे अभी तक हम लोग 5 रूल पढ़े। सबसे पहला रूल कौन सा पढ़े कि सबसे पहला रूल क्या था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम को किससे स्टार्ट करना है, स्मॉल लेटर से, किससे स्टार्ट करना है, स्मॉल लेटर से। दूसरा क्या पढ़े, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव है या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कुछ नहीं है, मतलब जीरो चार्ज है, इसका मतलब सेंट्रल एटम का जो नाम लिखा जाएगा, सेंट्रल एटम का जो नाम लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, नॉर्मल नेम लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा, नॉर्मल नेम लिखा जाएगा, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, माइनस चार्ज आ गया, तब इसमें सेंट्रल एटम का नाम कैसा लिखा जाएगा, सफिक्स के साथ। सफिक्स कहाँ लगता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में, ठीक है, क्या कौन सा सफिक्स लगेगा वो हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा दूसरा रूल क्या पढ़े, वन सेकेंड, चौथा रूल हम लोग क्या पढ़े कि सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको क्या करेंगे, सेंट्रल एटम के नाम के बाद स्मॉल ब्रैकेट में रोमन में लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिगेंड का नंबर लिखेंगे, फिर लिगेंड लिखेंगे, फिर सेंट्रल एटम लिखेंगे, और सेंट्रल एटम का जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में रोमन में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद पांचवा रूल क्या पड़े कि अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से अधिक लिगेंड हो गया, ठीक है, एक से अधिक लिगेंड हो गया, तब क्या करेंगे, उस लिगेंड को क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा के लिखेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया, अभी तक हम लोगों ने 5 रूल तक पढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो देखो अब नेक्स्ट क्या है कि अगर सेम लिगेंड हो गया, ठीक है, सेम लिगेंड हो गया, जैसे क्लोरीन, दो बार क्लोरीन आ गया, ठीक है, जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ये सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है, इसके चारों तरफ लिगेंड होगा, मान लो क्लोरीन क्लोरीन सीएल सीएल दो बार आ गया, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन दो बार आ गया, तो इसको दो बार क्लोरीन क्लोरीन नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको दो बार क्लोरीन क्लोरीन नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का उपयोग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का उपयोग करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का उपयोग क्यों, प्रीफिक्स किसको कहते हैं, जो वर्ड के आगे लगता है, ठीक है, जो वर्ड के आगे लगता है उसको क्या कहते थे, प्रीफिक्स, और जो वर्ड के पीछे लगता था उसको क्या कहते थे, सफिक्स, ठीक है। वर्ड के आगे जो लगेगा उसको क्या कहेंगे, प्रीफिक्स, और वर्ड के पीछे जो लगेगा उसको क्या कहेंगे, सफिक्स, ठीक है। तो अगर सेम लिगेंड आ गया, क्लोरीन जैसे मान लो दो बार आ गया, ठीक है, तो इसके क्लोरीन क्लोरीन दो बार नहीं लिखेंगे, उसको क्या करेंगे, दो क्लोरीन को क्या लिख देंगे, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स से क्या लगा देंगे, डाई लगा देंगे, ठीक है। डाई क्या हो गया, डाई का मतलब क्या हो गया, दो, और फिर क्या लिख देंगे, क्लोरीन, ठीक है, दो बार, इसका मतलब दो क्लोरीन आ गया, डाई का मतलब, डाई क्या दिखा रहा है, दो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, दो दिखा रहा है, मतलब किसको दिखा रहा है, नंबर को दिखा रहा है, इसी कारण से इसको क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल, और वर्ड के किसके आगे लग रहा है या पीछे, तो आगे लग रहा है, इसी कारण से इसको कहते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, ठीक है। ये जो डाय हो गया हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स मतलब समझ में आया, डाय का मतलब ये किसको दिखा रहा है, नंबर को दिखा रहा है, दो ये किसको दिखा रहा है, नंबर, और वर्ड के कहां लग रहा है, आगे लग रहा है, ठीक है, तो वर्ड के आगे लग रहा है, इसी कारण से इसको क्या बोल दिया, प्रीफिक्स, और कैसा प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, ठीक है। तो अगर सेम लिगेंड आ जाता है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सेम लिगेंड आ जाता है, ठीक है, तो उसके उसको किस रूप में करेंगे, निम्नलिखित प्रीफिक्स का उपयोग करते हैं, ठीक है, कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि अगर कोई वर्ड है उसके आगे जो लगेगा उसको क्या कहेंगे, प्रीफिक्स, और जो बाद में लगेगा वो क्या होगा, सफिक्स, ठीक है। अगर सेम लिगेंड आ गया, दो से अधिक, या दो फी आ गया, या तीन आ गया, चार आ गया, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होगा उसको अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से अधिक समान लिगेंड हो तब निम्नलिखित न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो कौन सा प्रीफिक्स, यही नंबर ऑफ सेम लिगेंड, अगर नंबर ऑफ सेम लिगेंड दो बार सेम लिगेंड है, ठीक है, एक ही लिगेंड, जैसे क्लोरीन क्लोरीन दो बार आ गया, तो उसको क्या लिखेंगे, डाइक्लोराइड, ठीक है, डाइक्लोरीन या डाइक्लोराइड लगा देंगे, ठीक है, डाई लगा देंगे। अगर तीन बार आ गया तो क्या लगा देंगे, ट्राई लगा देंगे, ठीक है, अगर चार बार आ गया तो क्या लगा देंगे,
टेट्रा लगा देंगे, अगर 5 बार आ गया तो उसको क्या लगा देंगे, पेंटा लगा देंगे, अगर 6 बार आ गया तो उसको क्या लगा देंगे, हेक्सा लगा देंगे, अगर 7 आ जाता तो क्या लगा देते, हेप्टा लगा देते, 8 आ जाता तो फिर क्या लगा देते, ऑक्टा लगा देते, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो जाएगा, 2 बार आएगा तो डाई लगाएंगे, 3 बार आएगा तो ट्राई लगाएंगे, 4 बार आएगा तो टेट्रा लगाएंगे, 5 बार आएगा तो पेंटा, इसी तरह करके अगर सेम लिगेंड आ जाता है तो उसको, जैसे 5 बार सेम लिगेंड आ गया तो 5 बार नहीं लगाएंगे उसको, 5 बार नहीं लिखेंगे, उसके आगे क्या लगा देंगे, पेंटा लगा देंगे, वो 5ों का हो जाएगा, ठीक है, एक ही बार काम। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स समझ में आ गया, न्यूमेरिकल का मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर को प्रेजेंट करेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल का मतलब क्या, नंबर को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। प्रीफिक्स क्यों बोले, क्योंकि ये क्या लग रहा है, वर्ड के आगे लग रहा है, ये जो डाई लगेगा कहां लगेगा, नंबर के आगे लगेगा, ट्राई जो लगेगा वो कहां लगेगा, आगे लगेगा, ठीक है, वर्ड के कहां लगेगा, आगे लगेगा, ठीक है, इसी कारण से इसको क्या बोले, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। चलिए नेक्स्ट, अब रूल क्या है, 7 नंबर, जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से अधिक समान चिलेटिंग लिगेंड उपस्थित हो तब निम्नलिखित न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर नॉर्मल लिगेंड उपस्थित है तब तो लगेगा जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स अभी बता चुके, 2 के लिए डाय, 3 के लिए ट्राय, 4 के लिए टेट्रा, ठीक है, तो वही लगेगा। लेकिन अगर चिलेटिंग लिगेंड आ गया, चिलेटिंग लिगेंड क्या था, जो सेंट्रल एटम के साथ रिंग के जैसा संरचना बनाता था, ठीक है, जो क्या करता था, रिंग के जैसा संरचना बनाता था, ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड उसी को कहते थे ना, वह लिगेंड जो सेंट्रल एटम के साथ रिंग के जैसा संरचना बनाता है उसी को क्या कहते थे, चिलेटिंग लिगेंड कहते थे, ठीक है। तो चिलेटिंग लिगेंड क्या हो गया, थोड़ा सा एडवांस हो गया, ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल बताए थे EDTA-4, EDTA-3, ये सब क्या था, चिलेटिंग लिगेंड का बहुत ही अच्छा उदाहरण था, ठीक है। तो चिलेटिंग लिगेंड समझ, चिलेटिंग लिगेंड अगर आ जाता है उसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स अलग हो जाएगा, ठीक है। जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से अधिक समान चिलेटिंग लिगेंड उपस्थित हो तब निम्नलिखित न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का उपयोग किया जाता है। नॉर्मल अगर लिगेंड रहेगा तब तो जो हम 2 के लिए डाय, 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे, लेकिन अगर चिलेटिंग लिगेंड आ गया, ठीक है, तब क्या, कौन सा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज करेंगे, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, 20, ठीक है, 3 के लिए क्या यूज करेंगे, 30, 4 के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्राकिस, 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंटाकिस, 6 के लिए क्या करेंगे, हेक्साकिस, 7 के लिए हेप्टाकिस, 8 के लिए ऑक्टाकिस, इतना आएगा नहीं, ठीक है, सिर्फ इतना लिख दिए, ठीक है। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 के लिए क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 4 के लिए क्या हो जाएगा, टेट्राकिस, 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंटाकिस, 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्साकिस। तो ये याद रखना, अगर चिलेटिंग लिगेंड आ गया तो उसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, 20, 30, टेट्राकिस, अगर नॉर्मल लिगेंड है तो डाय, ट्राय, टेट्रा, पेंटा, ये चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर चिलेटिंग लिगेंड आ जाता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, टेट्राकिस हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, चिलेटिंग लिगेंड के लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखो अब नेम ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का नाम अभी बताए थे कि कब क्या लगेगा नहीं लगेगा उसको देखेंगे, ठीक है। एक बार हम फिर से सभी रूल का रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला जो हम लोग रूल पढ़े थे कौन सा पढ़े थे, 1 नंबर पे जो रूल पढ़े थे कौन सा पढ़े थे, 1 नंबर में रूल क्या था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना है तो वो किससे स्टार्ट करेंगे, स्मॉल लेटर से। दूसरा क्या पढ़े थे कि कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज हुआ या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कुछ नहीं चार्ज है, न्यूट्रल है, तब सेंट्रल एटम का जो नाम लिखा जाएगा यानी एम का, वो क्या होगा, नॉर्मल नेम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, नॉर्मल नेम होगा। यही अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज आ गया माइनस, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज आ गया माइनस, तब सेंट्रल एटम का जो नाम लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, सफिक्स के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल ये हो गया। चौथा रूल हम लोग क्या पढ़े थे कि सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, किसका, सेंट्रल एटम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम का क्या, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो सेंट्रल एटम यानी कि सेंट्रल एटम एम का जो नाम आएगा उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में किसमें लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में वो भी किसमें लिखना है, रोमन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कौन सा रूल पढ़े, उसके बाद पढ़े कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से अधिक लिगेंड हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक लिगेंड हो जाएगा तब उसको क्या सजाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है, ठीक है, कैसे ऑर्डर में सजाना, अल्फाबेटिकल, जैसे फ्लोरीन आ गया और ब्रोमीन आ गया तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमीन को लिखेंगे, फिर
फ्लोरीन को लिखेंगे, ठीक है। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर एक से अधिक लिगेंड आ जाता है तो उसको किस ऑर्डर में सजा देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद छठा रूल हम लोग क्या पढ़े कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर एक से अधिक समान लिगेंड आ जाता है, मतलब एक जैसा ही समान लिगेंड आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। कौन सा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, दो के लिए डाय, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, इसी तरीके से न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज किया जाएगा अगर एक से अधिक क्या आ जाता है, समान लिगेंड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सातवां रूल हम लोग क्या पढ़े कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से अधिक अगर चिलेटिंग लिगेंड, एक से अधिक समान चिलेटिंग लिगेंड आ जाता है, ठीक है, अगर एक से अधिक समान चिलेटिंग लिगेंड आ जाता है तो उसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, टू के लिए क्या हो जाएगा, बीस हो जाएगा, ठीक है। टू के लिए क्या हो जाएगा, बीस हो जाएगा, फिर ट्रिस हो जाएगा, टेट्राकिस हो जाएगा, पांच पांच के लिए हो जाएगा पेंटाकिस, ठीक है। तो इसी तरीके से यूज करना है, ठीक है। उसके बाद सातवां रूल हम लोग कौन सा पढ़े, सातवां रूल, सॉरी सातवां रूल तो यही था कि चिलेटिंग लिगेंड में उपस्थित वो निम्नलिखित न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज करते हैं, तो कौन सा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज करते हैं वो हम लोग देख चुके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेंट्रल एटम का नाम, ठीक है, नेम ऑफ सेंट्रल एटम, कब किसका क्या नाम होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा क्या है, सीयू, ठीक है, सीयू है। तो अब देखिए सीयू पर, अगर सीयू ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या तो जीरो चार्ज है, तब उसका नाम क्या होगा, कॉपर, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये Cu प्रेजेंट है या फिर न्यूट्रल वाले में, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर। लेकिन अगर माइनस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, ठीक है, तब अगर यहां Cu प्रेजेंट रहता है तब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूपरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर उस पर प्लस चार्ज है, उसके अंदर सीयू है, तो इसका नाम क्या होगा, कॉपर होगा, ठीक है। या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर सीयू है और इस पर कुछ नहीं चार्ज है यानी जीरो है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर होगा, ठीक है। लेकिन अगर माइनस चार्ज है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस चार्ज है और उसके अंदर सेंट्रल एटम क्या है, सीयू है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सारा नाम है, एनआई का क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, और पॉजिटिव या न्यूट्रल के लिए, ठीक है। और अगर माइनस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आता है तब क्या हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा, सीओ रहेगा तो कोबाल्ट, कोबाल्टेट, ठीक है। सफिक्स के साथ क्या हो जाएगा, नेम विद सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स वाला कब लगाते थे, जब क्या होता था कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या होता था, माइनस होता था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, सीओ रहेगा तो कोबाल्ट, कोबाल्टेट, एच जी रहेगा तो मरकरी, मर्क्यूरेट, ठीक है, सीआर रहेगा तो क्रोमियम, क्रोमेट, ठीक है, सफिक्स के साथ क्या हो जाएगा, क्रोमेट, एल रहेगा तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, ठीक है, पीटी रहेगा तो प्लेटिनम, पीटी रहेगा तो प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनेट, जेडन रहेगा तो जिंक, जिंकेट, जेडन रहेगा तो जिंक, जिंकेट। अब यहां से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है नाम, ठीक है, यहां से क्या हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है। अगर एफ ही रहेगा तो एफ ही में अगर नॉर्मल नेम लिखना है एफ ही का, तो ये क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। नॉर्मल नेम कब लिखा जाएगा, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या तो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस चार्ज आया और उसके अंदर सेंट्रल एटम एफ ही है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा, ठीक है। एजी का क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, अर्जेंटेट हो जाएगा, अर्जेंटेट हो जाएगा, ये कब होगा, सफिक्स में जब यूज करेंगे, ठीक है। एयू का क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, एयूरेट हो जाएगा, ठीक है। पीवी का क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, प्लम्बेट हो जाएगा, सफिक्स के साथ क्या हो जाएगा, इसका प्लम्बेट हो जाएगा। एसएन का क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टेनेट हो जाएगा, ये सफिक्स के साथ, ठीक है। तो ये सारा जो नाम लिखना है कब लिखना है, ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल नेम हो गया, ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल नेम हो गया, ये पूरा क्या हो गया, नॉर्मल नेम। जब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या होगा, कुछ नहीं चार्ज होगा यानी क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। और ये वाला जो लिखना है, ये वाला कब लिखेंगे, ये पूरा कब लिखेंगे, ये पूरा कब लिखेंगे, ये पूरा तब लिखा जाएगा जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव है या न्यूट्रल चार्ज है तो उसका नाम कैसा लिखेंगे, नॉर्मल वाला, ये वाला सब लिखेंगे, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस चार्ज हो गया तब जो सेंट्रल एटम का नाम होगा वो कौन सा लिखाएगा, ये वाला लिखाएगा,
सफिक्स के साथ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे लिगेंड का नाम। ठीक है, किसका नाम देखेंगे? लिगेंड का। चलिए देखिए, नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड हम देखेंगे, पॉजिटिव लिगेंड भी देखेंगे, न्यूट्रल लिगेंड भी देखेंगे, निगेटिव लिगेंड भी देखेंगे, एम्बाइडेंटेट लिगेंड भी देखेंगे। ठीक है, तो सीरियली अब हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला जो हम लोग देखेंगे नेम ऑफ निगेटिव लिगेंड, वो वाला लिगेंड जिस पर कैसा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। ठीक है, निगेटिव लिगेंड का मतलब ये हुआ, वो वाला लिगेंड जिस पर क्या होगा? माइनस चार्ज होगा, उसको क्या कहेंगे? निगेटिव लिगेंड। ठीक है, जैसे एफ पर माइनस चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो यहाँ चार्ज है वही इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो एफ पर कितना चार्ज है? -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1। ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड, और लिगेंड के रूप में अगर है तो ये क्या हो जाएगा? फ्लोराइडो हो जाएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है, यहाँ थोड़ा सा इसको समझते हैं कब कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, देखिए अगर एफ माइनस वन लिगेंड के रूप में है, ठीक है, एफ माइनस वन क्या है? लिगेंड के रूप में है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोराइडो हो जाएगा। लेकिन यही लिगेंड अगर ये एफ माइनस वन लिगेंड के रूप में नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। जैसे समझो, अगर मान लो कि ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, ठीक है, कोई एम है सेंट्रल एटम मान लो, और उसके जगह पे क्या है? एफ आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ क्या है? ये किस रूप में है? लिगेंड के रूप में है, तब जो नाम होगा इसका कौन सा नाम हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, फ्लोराइडो हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर है और इसके बाहर कहीं कोई ये है एफ है, ठीक है, ये बाहर एफ है, यहाँ क्या हो जाएगा? फ्लोराइड हो जाएगा। ये लिगेंड के रूप में नहीं है, ये क्या है? ऐसे बाहर में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर रहा तब इसका नाम क्या हो जाएगा? लिगेंड वाला नाम हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर रहा तब इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल वाला। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब एक और एग्जांपल, जैसे मान लो कि ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर सीएल है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर सीएल है और कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर भी सीएल है, तब कौन स्थिति में सीएल, इस सीएल का जो नाम होगा वो क्या होगा? क्लोराइड या क्लोराइडो। ये इस सीएल का नाम हो जाएगा क्लोराइडो। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर है, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ये अंदर है, इसका मतलब ये क्या होगा? लिगेंड होगा, और लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। देखो यहां दिया है क्लोराइडो, और यही लिगेंड ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर है, इसका मतलब ये नॉर्मल स्थिति में ये लिगेंड नहीं है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, सीएल माइनस वन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्लोराइड इसका नॉर्मल नेम हो जाएगा, और क्लोराइडो क्या हो जाएगा? इसका लिगेंड नेम। ठीक है, लिगेंड नेम कब यूज करेंगे? जब कोऑर्डिनेशन स्फेयर के क्या होगा? अंदर होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर होगा, ठीक है, और बाहर जब होगा ये क्या हो जाएगा? बाहर होगा, तब क्या करेंगे? नॉर्मल नेम को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे बी आर माइनस वन है तो इस पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और इसका नॉर्मल नेम हो जाएगा क्या? ब्रोमाइड, और लिगेंड नेम क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो। ठीक है, आई माइनस वन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा? आयोडाइड, और लिगेंड नेम क्या हो जाएगा? आईडाइडो। ठीक है, आयोडाइडो। अब देखो ओ एच माइनस वन है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और इसका नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नॉर्मल नेम कब यूज करेंगे? जब कोऑर्डिनेशन स्फेयर के क्या होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर, अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर आ गया, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर आ गया तब उसका कौन सा नाम लिखेंगे? लिगेंड नेम लिखेंगे। ठीक है, तो लिगेंड नेम क्या हो जाएगा ओ एच माइनस का? हाइड्रोक्सो। ठीक है, लिगेंड नेम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सो। अब सी एन माइनस वन है, ठीक है, तो सी एन माइनस वन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1, और इसका नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा? साइनाइड, और इसका लिगेंड नेम क्या हो जाएगा? साइनो। समझ में आ गया, सी एन माइनस वन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, नॉर्मल नेम साइनाइड, और लिगेंड नेम क्या हो जाएगा? साइनो। चलिए जैसे अब देखिए, यहां थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, O2 माइनस टू है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, यहाँ कितना ऑक्सीजन है? दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है? -2 है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा? -1 होगा, इसी कारण से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा?
माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। O2 ऊपर कितना चार्ज है, माइनस टू है, ठीक है, तो O2 पर अगर माइनस टू है तो एक O पर कितना हो जाएगा, माइनस वन, इसी कारण से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और इसका नॉर्मल नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड, और ये इसका लिगेंड नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो, ठीक है, नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड, और इसका लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, NH2-1, क्या है NH2-1, इस पर कितना चार्ज है, माइनस वन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, माइनस वन, इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, एमाइड, और इसका लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, एमाइडो, ठीक है, इसका लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, एमाइडो। अब जैसे ये क्या है, एसीटेट आयन है, CH3COO-, ठीक है, ये याद करवा चुके हैं, ठीक है, CH3COO-, इस पर कितना चार्ज है, माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटेट, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटेट, नॉर्मल नेम, और यही लिगेंड अगर बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एसीटेटो, ठीक है, लिगेंड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसीटेटो। NO3-1, ठीक है, इस पर कितना चार्ज है, माइनस वन, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, माइनस वन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, नाइट्रेट, ठीक है, और लिगेंड नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो, ठीक है, लिगेंड नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो। अब नेक्स्ट क्या है, CO3-2, तो इस पर कितना चार्ज है, माइनस टू, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, माइनस टू, ठीक है, तो इसका नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, कार्बोनेट, इसका नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, कार्बोनेट, ठीक है, और लिगेंड के रूप में अगर ये आ जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो, इसका लिगेंड के रूप में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो, ठीक है। नेक्स्ट है SO4-2, SO4-2 पे कितना चार्ज है, देखो तो माइनस टू, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, माइनस टू हो गया। अब नेक्स्ट क्या, इसका नाम नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, सल्फेट, ठीक है, और लिगेंड के रूप में क्या हो जाएगा, सल्फेटो, लिगेंड के रूप में क्या हो जाएगा, सल्फेटो, नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, सल्फेट। अब नेक्स्ट है C2O4-2, ठीक है, C2O4-2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, इसका नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेट, इसका नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेट, ठीक है, और इसका लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेटो, ठीक है, इसका लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेटो। नेक्स्ट है SO3-2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, सल्फाइट, SO4-2 था तो सल्फेट, ठीक है, SO4-2 था तो क्या हो जाता था, सल्फेट, ठीक है, और SO3-2 है तो इसका क्या हो जाएगा, सल्फाइट, और इसका लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, सल्फाइटो, ठीक है, ये सल्फेट सल्फेटो, ये क्या है, सल्फाइट सल्फाइटो, ठीक है। अब H2O3-2 है, क्या है, H2O3-2, इस पर कितना चार्ज है, माइनस टू, तो इसको क्या कहेंगे, इसका नॉर्मल नाम क्या आ जाएगा, थायो सल्फेट, इसका नॉर्मल नाम क्या हो गया, थायो सल्फेट, और इसका लिगेंड नाम क्या आ जाएगा, थायो सल्फेटो, लिगेंड नाम क्या आ जाएगा, थायो सल्फेटो। नेक्स्ट है CR2O7-2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, माइनस टू, और नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, क्रोमेट, और लिगेंड नाम क्या हो जाएगा, क्रोमेटो, ठीक है, लिगेंड नाम क्या हो गया, क्रोमेटो, नॉर्मल नाम क्या हो गया, क्रोमेट, और लिगेंड नाम क्या हो गया, क्रोमेटो। नेक्स्ट है NH2-2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, आइमाइड, यहाँ आइमाइड है, ठीक है, और इसका लिगेंड नाम क्या हो जाएगा, आइमाइडो, नॉर्मल नेम क्या हो गया, अमाइड, आइमाइड, ठीक है, और लिगेंड नेम क्या हो गया, अमाइडो, आइमाइडो, ठीक है। अब N-3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -3, नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड, ठीक है, और लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, नाइट्राइडो, ठीक है, और P-3 है, ठीक है, P-3, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -3, और इसका नॉर्मल नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फाइड, और लिगेंड नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फाइडो, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका क्या, निगेटिव लिगेंड, कौन सा लिगेंड, ये कंप्लीट हो गया निगेटिव लिगेंड। तो ये सभी याद रखना, ठीक है, कब किसका यूज करेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर रहा तब तो ये वाला नाम यूज करेंगे, सॉरी, अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर रहा तब तो ये नॉर्मल नाम यूज करेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर के क्या रहा, अंदर रहा ये, तब इसका कौन सा नाम यूज करेंगे, लिगेंड नेम। कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर तो नॉर्मल नेम, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर तो लिगेंड नेम, ठीक है, ये याद रखना है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर तो नॉर्मल नेम, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर तो लिगेंड वाला नेम, ठीक है। चलिए, ये निगेटिव लिगेंड आपका एंड हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एम्बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, कौन सा देखेंगे, एम्बाइडेंटेट लिगेंड।
देखिए एम्बाइडेंटेट लिगेंड हम लोग किसको कहते थे, जिसके पास एक से अधिक डोनर एटम होता था, लेकिन देता कौन था, सिर्फ एक देता था, ठीक है, पॉलीडेंटेट लिगेंड के तरह देखने में होता था, लेकिन व्यवहार कैसा करता था, यूनिडेंटेट लिगेंड की तरह, ठीक है, उसी को क्या कहते थे, एम्बाइडेंटेट लिगेंड, वो लिगेंड जिसके पास एक से अधिक डोनर एटम होता था, एक से अधिक देने वाला एटम होता था, लेकिन देता कौन था, सिर्फ एक एटम देता था, उसी को क्या कहते थे, एम्बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो अब देखिए ये इसमें देखिए ये एम्बाइडेंटेट लिगेंड है, ये सी इसमें दे रहा है, ठीक है, और ये इस पर चार्ज कितना है, माइनस वन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, सी एन माइनस वन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, माइनस वन, इसका नाम नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, साइनाइडो साइनाइड, और इसका लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, साइनो। इसमें भी सेम है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहा, या तो आगे या तो पीछे, इसका नाम क्या रखेंगे, साइनाइड, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या रहा, ये अंदर रहा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहा ये लिगेंड, तब इसका नाम क्या रखेंगे, साइनो, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नॉर्मल नेम, बाहर अब आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या रखेंगे, नॉर्मल नेम, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहा तब उसका कौन सा नाम रखेंगे, लिगेंड नेम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एनसी माइनस वन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, माइनस वन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड, ठीक है, और इसका लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो, ठीक है, आइसोसाइनो। अब नेक्स्ट क्या है, एनओ टू माइनस वन, ठीक है, NO2 माइनस वन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो, ठीक है, और इसका ये लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो N, क्यों, 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 ये N से जुड़ रहा है, ठीक है, तो नाइट्रेटो N, ठीक है। अब देखिए ओ एन ओ माइनस वन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, माइनस वन हो गया, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइट, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, नाइट्राइट, और इसका लिगेंड नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो ओ। ओ क्यों हुआ, क्योंकि ये किससे जुड़ रहा है, ओ से जुड़ रहा है, ठीक है, ये जो जुड़ेगा किससे जुड़ेगा, ओ से, ठीक है, इसी कारण से ये क्या हो गया, नाइट्राइटो ओ, ठीक है। नेक्स्ट है एस सी एन माइनस वन, ठीक है, इस पर कितना चार्ज है, माइनस वन, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, माइनस वन, इसको क्या कहेंगे, थायोसाइनाइड, ठीक है, इसको इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, थायोसाइनाइड, ठीक है, और इसका लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, थायोसाइनाइटो एस। एस क्यों हुआ, क्योंकि ये किससे जुड़ रहा है, एस से जुड़ रहा है, ठीक है, इसका लिगेंड नेम क्या हो गया, थायोसाइनाइटो, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, इसका मतलब कौन सा, सेंट्रल, सॉरी लिगेंड नेम, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, तब ये कौन सा, नॉर्मल नेम, ठीक है, या तो बाहर आगे भी हो सकता है या तो पीछे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड मतलब क्या होगा, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, तो अब अगर कोई चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब हम लोग पढ़े थे लिगेंड किसको कहते थे, जो इलेक्ट्रॉन देता था, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता था, देता था, उसको क्या कहते थे, लिगेंड कहते थे, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता था उसको क्या कहते थे, सेंट्रल एटम, ठीक है। लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब ये लुईस बेस की तरह व्यवहार करता था, और सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, इसी कारण से उसको क्या, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता था, ठीक है। चलिए लिगेंड क्या करता था, इलेक्ट्रॉन देता था, ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या देखते थे, या तो लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, चार्ज माइनस होना चाहिए, या तो लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, यही चीज देखते थे ना, या तो लोन लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर, या तो क्या होना चाहिए, माइनस। अब न्यूट्रल लिगेंड बोल रहा है, इसका मतलब ना ही माइनस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज नहीं है, या ही प्लस चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, तो देखो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, आठ होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, आठ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो दो और छ, दो और छ होगा, तो अब देखो ऑक्सीजन के लास्ट कक्षा में छह है, ठीक है, तो छह में से ये दो क्या करेगा, बंधन बनाने में चला जाएगा, काहे कि आठ इसको चाहिए अंतिम कक्षा में, तो दो अगर चला जाता है बंधन बनाने में, तो इसके लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, चार इलेक्ट्रॉन बचा, देखो तो दो दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तो कितना लोन पेयर हो गया, दो दो लोन पेयर हो गया, लोन पेयर है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है या नहीं दे सकता है, दे सकता है, ठीक है, तो इस कारण से न्यूट्रल लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, कैसे देगा, लोन पेयर से, ठीक है,
अगर माइनस चार्ज है इसका मतलब ऐसा नहीं है, अगर माइनस चार्ज नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर लोन पेयर भी है तो उससे भी समझ सकते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब यह समझना है कि न्यूट्रल लिगेंड जो होगा वो कैसे इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर से, ठीक है, कैसे देगा लोन पेयर से। अब देखिए जैसे आपका न्यूट्रल लिगेंड कौन सा हो गया, H2O, H2O पर कुछ चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसका लिगेंड नाम क्या हो जाएगा, एक्वा, ठीक है। लिगेंड नाम कब यूज करेंगे, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या होगा, अंदर होगा, ठीक है। लिगेंड नाम कब यूज करेंगे, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या होगा, अंदर होगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहा तब क्या करेंगे, नॉर्मल नेम, ठीक है। चलिए अभी हम लोग लिगेंड नेम ही देख रहे हैं, NH3, ठीक है। NH3 पर कुछ चार्ज नहीं है इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और इसके लास्ट इसका नाम क्या हो जाएगा, लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, M-, हो जाएगा, AMINE, ठीक है, AMINE नहीं लिखना है, M-, ठीक है। CO है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाएगा, कुछ चार्ज नहीं है इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। और इसका इसका नाम लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल, ठीक है, इसका लिगेंड नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल। नेक्स्ट क्या है, NO, NO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, CS, ठीक है, CS का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा नाम, थायोकार्बोनाइल, ठीक है, इसका लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, थायोकार्बोनाइल। अब नेक्स्ट क्या है, C5H5N, इसके पर भी कुछ चार्ज नहीं है इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पायराडाइन, ठीक है, पायराडाइन। इसका भी बेंजीन के तरह ही बनता है, ठीक है, कैसे बनता है, देखो बेंजीन कैसे बनता है, ऐसे बनता है C, 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 ठीक है, यहां भी फिर C होता है, फिर C, फिर ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसमें देखो कितना कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कार्बन को हटाना है, एक कार्बन को हटाना है और वहां क्या लगा देना है, N लगा देना है, ठीक है, N लगा देना है, तो ये हो गया पायराडाइन, ठीक है। देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, तो ये हो गया पायराडाइन, ठीक है। तो C5H5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, जीरो, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पायराडाइन। लिगेंड नेम इसका क्या हो जाएगा, पायराडाइन, ठीक है। O2 है, O2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, डायऑक्सीजन, इसका नाम क्या हो जाएगा, लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, डायऑक्सीजन, ठीक है। N2 है, N2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसका लिगेंड नाम क्या हो जाएगा, डायनाइट्रोजन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, डायनाइट्रोजन। नेक्स्ट है H2N, NH2, इस पर भी कुछ चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो, और इसका नाम क्या आ जाएगा, लिगेंड नेम क्या आ जाएगा, हाइड्रोजाइन, हाइड्राजाइन, ठीक है, हाइड्राजाइन, इसका लिगेंड नेम क्या आ जाएगा, हाइड्राजाइन। NH2, NH2 का लिगेंड नेम क्या आ जाएगा, हाइड्राजाइन। अब नेक्स्ट है NH2, CH2, CH2, NH2, इस पर भी कुछ चार्ज नहीं है इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, बता चुके हैं, ethane 1,2-diamine, इसका नाम क्या हो जाएगा, ethane 1,2-diamine, और इसी को शॉर्ट में क्या कहते थे, EN, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या था, ethylene 1,2-diamine, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, देखिए नेम लास्ट है, नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड, ठीक है, नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। NO2+1 है तो इस पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका NO2+1 है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोनियम, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, नाइट्रोनियम, ठीक है। अब नेक्स्ट है NO+1, तो इस पर कितना चार्ज है, प्लस वन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, लिगेंड नेम नाइट्रोसोनियम, ठीक है, इसका लिगेंड नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। NH2, NH2 नहीं होगा, यहां हो जाएगा NH3, क्या हो जाएगा, NH2, NH3+1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, NH3, NH2, NH3+1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्राजिनियम, ठीक है, इसका नाम लिगेंड नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रा
जीनियम, ठीक है। नेक्स्ट है C6H5NS3+1, C6H5NS3+1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और इसका लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, एनिलिनियम, इसका लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, एनिलिनियम, ठीक है। तो यहां तक ये सारा याद कर लेना, ठीक है। किसका कब कौन सा नाम रखाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नॉर्मल नाम रखाएगा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल है तब उसका नाम सेंट्रल एटम का नॉर्मल नाम लिखाएगा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस चार्ज है तब उसका कौन सा सफिक्स वाला नाम लिखाएगा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड है, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या है, अंदर लिगेंड है, ठीक है, अंदर है तब इसका कौन सा नाम लिखाएगा, लिगेंड वाला, ठीक है, कौन सा नाम लिखाएगा, लिगेंड वाला, यही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या है, बाहर है, तब इसका कौन सा नाम लिखाएगा, नॉर्मल नेम लिखाएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर याद करना है नोट पॉइंट में, ठीक है। तो देखिए इसका, इस सभी का HLINAKRBCSFR, इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हाली ना करे रब से फरियाद, ठीक है। इस पर सब पर कितना चार्ज होता है, +1 होता है, ठीक है, इन सब पर कितना प्लस चार्ज होता है, +1 होता है, ठीक है। इसी कारण से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, +1 हो जाता है, ठीक है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन चार्ज अगर +1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये क्या हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी, ठीक है। तो इस पर भी कितना हो जाएगा, +2 चार्ज होता है, ठीक है। तो +2 चार्ज है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा अब हम लोग को याद कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला ये हाली ना करे रब से फरियाद वाले का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर वाले का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक अब हम लोग देख लिए, इसके आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आज हम लोग सारा नियम पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद कल अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने के लिए कि नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। नाम लिखने के लिए ये सब कुछ आपको याद रहना चाहिए, जितना रूल बताए वो सब याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके कौन सा कैसा यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम होगा, लिगेंड होगा, और लिगेंड का नंबर होगा, सबसे पहले किसको लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे, सबसे पहले एक नंबर पे किसको रखेंगे, लिगेंड के नंबर को रखेंगे, उसके बाद किसको रखेंगे, लिगेंड को रखेंगे, ठीक है। दो नंबर पे किसको रखेंगे, लिगेंड को रखेंगे, और तीसरे नंबर पे किसको रखेंगे, सेंट्रल एटम के नाम को, ठीक है। तो ये तीनों, सबसे पहले लिगेंड का नंबर, दूसरे नंबर पे लिगेंड का लिगेंड, तीसरे नंबर पे किसको रखेंगे, सेंट्रल एटम को, ठीक है, ये करना था, ठीक है, नाम अगर लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रूल पढ़ना स्टार्ट किए, तो सबसे पहला जो रूल पढ़े वो क्या पढ़े कि कोऑर्डिनेशन, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम हमेशा कैसा लेटर से, स्मॉल लेटर से, कैसा लेटर से, स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है। किस लेटर से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल लेटर से। दूसरा क्या पढ़े कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, या फिर अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर न्यूट्रल चार्ज हुआ, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज हुआ या न्यूट्रल चार्ज हुआ, तब जो इसके अंदर सेंट्रल एटम होगा उस सेंट्रल एटम का नाम नॉर्मल नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, तब जो इसके अंदर सेंट्रल एटम होगा उसका नाम लिखा जाएगा किसके साथ, सफिक्स के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पड़ेगा, सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, उसको क्या करेंगे, सेंट्रल एटम के नाम के बाद स्मॉल ब्रैकेट में रोमन में लिखेंगे, ठीक है, किसमें लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे, किसमें, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, और कब लिखेंगे, सेंट्रल एटम के बाद, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो सेंट्रल एटम के नाम के बाद ही लिखेंगे, लिगेंड के नाम के बाद तो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम के नाम के साथ ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और किसमें लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में, और कैसा, रोमन में, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े कि सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो गया, ठीक है, एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो गया तो उसको किस रूप में सजा देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कैसा सजा देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, ABCD में जो पहले आ जाएगा, जैसे क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमीन को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, क्लोरीन को लिखेंगे, ठीक है, एक से ज्यादा आ गया, ठीक है। और एक से अगर सेम आ जाता है,
अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से अधिक समान लिगेंड आ जाता है तब उसका क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को यूज करेंगे। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन दो बार आएगा तो क्लोरीन क्लोरीन दो बार नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, डाइक्लोराइडो। ठीक है, तो डाइक्लोराइडो, तो यही हो गया आपका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के साथ हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े कि चिलेटिंग लिगेंड अगर आ जाता है, दो सेम चिलेटिंग लिगेंड आ जाता है तब क्या होगा कि उसका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल लिगेंड में दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा होता था, लेकिन चिलेटिंग लिगेंड के लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके लिए क्या आ जाएगा, दो के लिए क्या आ जाएगा, बीस आ जाएगा, तीन के लिए क्या हो जाएगा, ट्रिस आ जाएगा, चार के लिए टेट्रा किस, पांच के लिए पेंटा किस, तो इस प्रकार का कब आएगा, चिलेटिंग लिगेंड के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, नेम ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम का नाम पढ़े कब क्या होगा, अगर पॉजिटिव रहा तब उसका नाम क्या लिखेंगे, या न्यूट्रल रहा, पॉजिटिव या न्यूट्रल रहा तब तो एक ही नाम होगा। ठीक है, पॉजिटिव या न्यूट्रल रहा चार्ज तो उस सेंट्रल एटम का नाम एक ही रहेगा, लेकिन अगर निगेटिव आ गया तब क्या आ जाएगा, सफिक्स वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, लिगेंड का नाम पढ़े, सबसे पहला पढ़े निगेटिव लिगेंड। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े एम्बाइडेंटेट लिगेंड, उसके बाद क्या पढ़े नेचुरल लिगेंड पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े न्यूट्रल लिगेंड पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े पॉजिटिव लिगेंड, तो यहां तक। उसके बाद क्या पढ़े ऑक्सीडेशन नंबर, हाल ही ना करे रब से फरियाद वाले का कितना हो जाएगा, प्लस वन, बेटा मांगे कार स्कूटर वाले का कितना हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। ठीक, तो अब अगले दिन हम लोग देखेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारा रूल आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इन सभी रूल को याद कर लेना, एक बार देख लेना, उसके बाद जिसका कौन किसका नाम है उसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे।